नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैंडी। सैंडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट का एक फेज़ वन जो उसका इनॉग्रेशन होना है, उससे एक रात पहले उस रश आवर का सीन दिखाऊंगा कि किस तरीके से जितने भी कंपनीज थी वहां पर, वो अपने स्टॉल पे क्या क्या अरेंजमेंट कर रहे थे, किस तरीके से उनको एग्जीबिशन जो स्टॉल मिला हुआ उसको डेकोरेट कर रहे थे। कई कंपनी ने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया हुआ, जैसे ये वुडलैंड ने लगाया हुआ है और देख सकते हैं ये एकदम ब्रांड न्यू स्टॉल है और अपना प्रगति मैदान का न्यू बिल्डिंग है जहाँ पे फर्स्ट टाइम ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर कंपनी, हर छोटी से बड़ी कंपनी यहाँ पे आई है और उसने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। कोई बैलून से सजा रहा है और ये देखिए रेमंड वालों ने भी, ये तो काफ़ी नामी गिरामी कंपनी है, इसने भी लगाया हुआ है अपना स्टॉल। अब दोस्तों ये भी कोई कंपनी है, मोर करके लिखा हुआ है। ब्रांड तो कई आ रहे हैं, कई ऐसे भी ब्रांड हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और कई ऐसे ब्रांड हैं जिनके बारे में हम नहीं भी जानते हैं। ये ITPO का जो न्यू प्रोजेक्ट है दोस्तों फेज़ वन का, उसके अंदर का सीन है। दोस्तों मैं एक बात और कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चाहे कुछ भी हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर होता है उसके लिए सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारी कंपनी है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी बनाती है, उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया हुआ है। हर्बल प्रोडक्ट बनाती है, उन्होंने भी अपना स्टॉल लगाया है। लेडी सलवार कुर्ते, ये डेकोरेशन के कई आइटम्स हैं, उनका भी स्टॉल लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। इनको डेकोरेशन के आइटम हैं, कॉस्टली हैं, आप देख सकते हैं। कई स्टॉल ऐसे भी हैं, खासकर लेडीज़ सलवार कुर्तों के बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हैं यहाँ पर। लेडीज़ लोगों के लिए एकदम मैं कहूँगा कि बाहर है ये, घर के कुछ वास वगैरह रखने के, डेकोरेशन करने के आइटम्स भी हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर वास वगैरह हैं यहाँ पर, लोगों ने लगाया हुआ है स्टॉल। बहुत सी ऐसी कंपनी भी हैं जिन्होंने ये पर्दा लगा रखा है अंदर से, अपना डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो फंक्शन या एग्जीबिशन स्टार्ट होने के बाद अपनी वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एक दिन पहले बना के दिखा रहा हूँ, एक दिन पहले क्या हलचल होती है स्टॉल के ऊपर। लोगों को अगर मुश्किल होती है तो उससे भी कैसे दो चार होते हैं, डेकोरेशन वगैरह जो करना होता है उससे भी दो चार होते हैं। तो कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें होती हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। हर काम में मेहनत होती है, मेहनत लगती है और लोग अपना लगे हुए हैं उसके अंदर। ये देखिए हर तरीके से, मतलब ये एक रात के अंदर आपको सब कुछ करना है। अगले सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा फंक्शन। ये हमदर्द वालों का बहुत नामी गिरामी नाम है, हमदर्द के प्रोडक्ट भी लोग यूज़ करते हैं पूरे इंडिया में, गल्फ में, वर्ल्ड वाइड कहूँगा, इसका काफ़ी नाम है। ये कई और कंपनी भी है जो अपने फूड का स्टॉल लगाया हुआ है। दोस्तों हुनर हाट का तो मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा जो हिसाब किताब मुझे ये लगा कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो बैंगल्स वगैरह देखिए बना रहा है, उसने भी लगा रखा है यहाँ पे। ये इत्र का है, ये कंपनी इत्र बनाती है, छोटी कंपनी है और इसने भी अपना स्टॉल लगाया। इस बंदे ने मुझे बोला कि एक बार ज़रूर मेरा स्टॉल दिखाइए, तो मैंने कहा चलो जी दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा कि चलो एक क्लोज लुक देता हूँ स्टॉल का। तो बहुत ही खूबसूरत था, खुशबू भी बहुत अच्छी थी, तरह तरह के परफ्यूम्स थे। इत्र दोस्तों आपका जो स्प्रे वाला परफ्यूम होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, इसकी जो स्मेल होती है थोड़ी हार्ड होती है और सबसे बड़ी बात है कि ये काफ़ी दिनों तक इसमें स्मेल रहती है।
और खुशबू, मतलब आप जब तक आपके कपड़े टंगे हैं तब तक इसमें खुशबू रहेगी। इत्र का ये कमाल होता है। परफ्यूम क्या है कि कुछ समय बाद वो उड़ जाता है। नॉर्मली गैस से लोग उसे ऑपरेट करते हैं। इत्र में दोस्तों ये बेसिकली क्या है कि मैंने चीज़ नोटिस किया है कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इत्र का यूज़ करती हैं इंडिया में, गल्फ में। और इत्र आप देख सकते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा, मैं सोचता हूँ कि पहले पुराने ज़माने में भी इत्र बहुत ज़्यादा लोग यूज़ किया करते थे। राजा महाराजाओं के समय भी आम पब्लिक भी इसको यूज़ किया करती थी। इत्र का अपना अलग ही ट्रेडिशन है। कन्नौज का भी इत्र आता है और बहुत फेमस है कन्नौज का इत्र। और ये मुझे पता नहीं ये कहाँ का इत्र है, लेकिन जो भी है बहुत ही अच्छी स्मेल थी। ये देखिए मैडम ने लहंगा चोली इन सब का भी स्टॉल लगाया हुआ है। अब चलिए थोड़ा बाहर का सीन दिखाता हूँ हुनर हाट के। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि हुनर हाट में ये 6:30 बजे स्टॉल बंद होना चालू हो जाते हैं। लिखा हुआ आई लव हुनर हाट, तो आप देख सकते हैं इसका आखिरी। ये दोस्तों ये जो टावर बना हुआ है प्रगति मैदान का, फेज़ वन का, ये लास्ट का पोर्शन है। आगे का पोर्शन मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, इस साइड का पोर्शन आपको दिखाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो इस साइड का भी पोर्शन आपको दिखा देता हूँ। हर जगह वही सेम चीज़ है, लेकिन चीज़ ये कि थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ी लॉबी भी तकरीबन आपको एक जैसी मिलेगी। हर जगह एस्केलेटर मिलेंगे, लिफ्ट मिलेगा आपको। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि ये प्रगति मैदान जो है अपने आप में एक इंटरनेशनल लुक देता है। पहले जो प्रगति मैदान था वो थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप था, अपने ज़माने के हिसाब से सही था और बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डिसीजन ऐसा लेती है और ले रही है और कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें कर रही है, रीडेवलपमेंट कर रही है। मैं सोचता हूँ कि इंडिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उनको रीडेवलप किया जा सकता है। और अब समय आ चुका है कि हम अपनी जो विचार है, अपनी सोच है, उसे बदलें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आने वाला समय जो है वो रीडेवलपमेंट का ही है। क्योंकि अधिकतर देखिए जो प्राइवेट बिल्डिंग है उनको तो प्राइवेट बिल्डर तोड़ के बना लेते हैं नया, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसा बहुत सा काम है जो वो रीडेवलप कर सकती है। देखिए यहाँ भी एस्केलेटर लगा हुआ है और सामने लिफ्ट है और इससे ऊपर भी आ सकते हैं। तो मैं कभी आपको ऊपर का सीन भी दिखाऊंगा आपको जाके। चलिए बाहर का भी सीन दिखाता हूँ। ये एक तरीके से आपको बताऊं कि एक छोटा सा स्टेडियम बना रखा है कुछ लोगों के बैठने के लिए। जैसे कोई प्रोग्राम या फंक्शन होता है तो आप इस स्टेडियम में बैठ के मज़ा ले सकते हैं। कोई गैदरिंग हो छोटी सी तो उसमें भी आप कुछ लोगों को इकट्ठा करके इसमें गैदरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट का फेज़ वन। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से ही हर यूट्यूबर मोटिवेट होता है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, रात में अलग ही नज़र आता है प्रगति मैदान फेज़ वन। थैंक यू दोस्तों।